हेलो ऑल क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जैम एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो एग्जांपल आपके सामने है हम लोग एनशियोमरिक एक्सेस का पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी का पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व रोटेशन उसी से मिलता जुलता एक एनटी का क्वेश्चन आपके सामने है ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है प्लस फोर्टी डिग्री अब ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल

प्योर फॉर्म में हमें थर्टी टू डिग्री दिया गया है और हमें सोल्यूशन फॉर्म में ओके okay, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है इसको करेक्ट करेंगे हम लोग ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ नहीं हाँ तो सैंपल का हमें कितना दिया गया है सो इट इज थर्टी टू डिग्री और हमें जो प्योर फॉर्म में दिया गया है तो इट इज फोर्टी डिग्री तो अब ऑप्टिकल प्योरिटी जब हम लोग सोल्व करेंगे तो डिवाइडेड करेंगे चीजों को काटेंगे तो सिक्सटीन बाई ट्वेंटी आएगा फिर एट बाई टेन आएगा तो जीरो पॉइंट जीरो सॉरी जीरो पॉइंट एट आएगा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट्टी परसेंट आएगा तो आपको एनएटी सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में एट्टी टाइप करके आना पड़ेगा इस छोटे से कॉन्सेप्ट एनएटी का एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है साथ ही साथ हम सीयूईटी एग्जाम और जेम एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं आपको अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं आप ये मैंने देखा है अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट करिए सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए अगली वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे ऐसे और क्वेश्चन के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइए जिससे आप चाहते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन कराए जाए थैंक यू सो मच एंड लर्निंग